तुम्हें पता है ना मनीषा, वो लोगों को हमारा राजस्थानी खाना अच्छा लगता है, इसीलिए वो यहाँ आते हैं। हाँ पर जेठानी साहब, इतने सालों से आपके हाथ का सेम राजस्थानी खाना खा खा के वो लोग बोर हो गए होंगे। बोर हो गए होंगे मतलब? तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना बोरिंग है, बेकार है? नहीं, मैंने ऐसे कहा, बात को बेकार में बढ़ा रही है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि मेरा खाना ही नहीं, अब मेरी बातें भी बेकार है? जेठानी साहब, आप मुझे गलत समझ रही हैं। नहीं मनीषा, जैसी तुम हो मैं बिल्कुल वैसी ही समझ रही हूँ तुम्हें। तुम हर बार गलत बात करती हो और हमें शर्मिंदा होना पड़ता है, और कह रही हो कि मैं गलत समझ रही हूँ। मैं आप सबको शर्मिंदा करती हूँ? जैसे तुम ये बात जानती नहीं हो। एटलीस्ट अपने मन की बात बोल के मन हल्का तो रखती हूँ ना। ये नहीं कि सालों पुरानी बात को मन में लेके बैठ जाओ गठरी बना के और सबके सामने आदर्शवादी बहू बनने का नाटक करो। तुम कहना चाहती हो कि मैं सबके सामने अच्छी बहू बनने का नाटक करती हूँ? ये मैंने यहाँ पे कह रही है। माँ चाची साहब से छोटी है और छोटे को तो माफ कर देते हैं ना माँ। चाची साहब मान जाइए ना, ये बड़ों की बातों को ना दिल से नहीं लगाते। तुम्हें पता है उन्होंने मुझसे कहा कि मैं पूरे परिवार को शर्मिंदा करती हूँ? मैं अपने लिए जवाब नहीं दूंगी क्या? मेरी भी इज्जत है, मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम्हें पता है कितना अनाप शनाप कहा है मनीषा ने मुझे, और ऊपर से मेरे खाने की बेइज्जती की है। कुछ खबर मिली? बुरे हाल है। हरमान की मॉम मानी? चाची साहब, चाची साहब को माँ से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। या यू आर राइट। कैसे बोल दिया उन्होंने ऐसे साउथ इंडियन बनाने के लिए, है ना? अगर चाची साहब की बात अरमान की मामा एक दिन मान लेती तो उनका क्या बिगड़ जाता। रोही अभीरा, सब शुरू से जानते कि किचन के इंचार्ज माँ है। अच्छा दिखाना जरा। क्या दिखाना? कि वो इंचार्ज है, कौन सी दीवार पे लिखा है बताओ ना। ये जोक है अभीरा। नहीं ये घर है, वही तो मैं कह रही हूँ कि ये कोई रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ पे खाने का कोई इंचार्ज होगा। सब लोग ना किचन में मिल बांट कर काम करते हैं। रूही तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हारे घर में नहीं होता होगा। अरे अब ये क्या नई जंग छिड़ गई, चलो। तुम क्या कुछ भी, यहाँ सब लोग मिल बांट के काम करते हैं। देखो ना क्या कह रही है। क्यों तू ये भी तो कुछ कह सकती है। लेकिन मैंने सुना ना अभीरा ने कुछ कहा है। हाँ तो जेठानी साहब मैंने भी सुना। एक मिनट मनीषा, बाप भी साहब प्लीज उन दोनों को बोलने तो दीजिए प्लीज। अरे कुछ बोलो बच्चों। कुछ किया ही नहीं मैं तो बस। हाँ ये तो कुछ करती ही नहीं है ना, सिर्फ इलॉजिकल बातें करती है। आपको तो पता है ना हमारी तो बात हुई थी लॉजिकल बात। अभीरा विद्या बेड की उल्टी तरफ से उतरी थी क्या, जिसको देखो डांट रही हो? एक मिनट उसे बोलने दो। अभीरा बेटा बोलो। भाई साहब प्लीज, हमें इस लड़के की बेकार बातें नहीं सुननी। इंटर्न ने कितनी गलतियां की है। भैया दोनों भाभी और मम्मा और ताईसा में वॉर हो गई है, जल्दी आ जाइए। तुम हमेशा गलत बात कैसे बोल सकती हो अभीरा? हाँ क्योंकि सही बात बोलने का लाइसेंस तो बस तुम्हारे पास है ना? Oh, no, 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 no. हमने अपनी सहेलियों को लंच पे बुलाया था जर्मान, देवरानी और जेठानी का झगड़ा देखने के लिए नहीं। दादी प्लीज। और ये बची अगली पीढ़ी की देवरानी जेठानी, इनकी बात ना ही करो तो बेहतर है। रूही और अभीरा मिलके सब कर लेंगे ना। और अगर ये फिर दोनों लड़ी तो? मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इन दोनों को लड़ने ही नहीं दूंगा। अरमान इतना कह रहा है इसीलिए हम तुम्हें एक लास्ट चांस देते हैं। मैंने दादी सा से प्रॉमिस तो कर दिया है, पर क्या मेरी टीम मेहनत करने को तैयार है? ये रिश्ता क्या कहे?